भटूरे बनाने के लिए सामग्री नोट कीजिए। 3 कप मैदा, 1 कप दही, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर। सबसे पहले परात में हम 3 कप मैदा लेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और उसे ऐसे डालेंगे कि सारे मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हम इस मैदे को एक बार छान भी सकते हैं ताकि बेकिंग पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे। और 1 चम्मच नमक डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें दही मिक्स करेंगे। दही जो हमने मैदा गूंदने के लिए लेनी है वो रूम टेम्परेचर पर रखी हुई हो, वो फ्रिज से सीधी ना निकालें। दही थोड़ी सी खट्टी होनी चाहिए ताकि वो बेकिंग पाउडर से मिलके मैदे के आटे को फुला दे। अब हम इसमें हल्का सा गुनगुना पानी लेके आटे को सॉफ्ट होने तक गूंदेंगे। इस आटे को गूंदते समय पानी बिल्कुल कम डालना है और इसे लगातार 10 मिनट तक हम मलते रहेंगे ताकि इसका एक सॉफ्ट डो तैयार हो जाए। ये हमारा सॉफ्ट डो बनके तैयार हो गया है। अब हमने इस आटे को किसी गर्म जगह पे रखना है। इसके लिए मैं इसको हॉट पॉट में गर्म पानी डाल के 45 मिनट्स के लिए ढक के रख दूंगी। ताकि हमारा आटा भटूरों के लिए तैयार हो जाए। 45 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा आटा तैयार है। अब हम इनके भटूरे बनाएंगे। अब हम इसका पेड़ा बनाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले हाथों को और चकले पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे बेलेंगे। पेड़ा बेलते समय इस बात का ध्यान रखना है कि पेड़े में कोई गैप ना हो, नहीं तो आपके भटूरे फूलेंगे नहीं। अब हम इसको बेलेंगे। हम इसे उतना ही मोटा रखेंगे जितना कि हम रोटी को रखते हैं। आप अपने चकले को भी घुमा के इसको बेल सकते हो। अब हम इसे गरम तेल में फ्राई करेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें भटूरा डालेंगे और इसे इसके ऊपर गरम तेल डालेंगे और इसे हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि भटूरा अच्छी तरह से फूल जाए। और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे।
ये हमारे गर्मा गर्म भटूरे बनके तैयार हैं। आप इसे गर्मा गर्म चनों के साथ सर्व कीजिए।